अयोध्या नगरी को, जैसे हम सिर्फ एक अंजना ने भी मॉडल शब्द का इस्तेमाल किया, तो अगर उसे हम देखें, ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ 22 जनवरी के लिए या फिर एक साल के लिए या दो साल के लिए नहीं सोच रहे हैं। आपने जिस तरह के प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की है, ये क्या 50 वर्ष का प्रोजेक्ट है? मतलब आप अयोध्या नगरी को 50 वर्ष आगे कैसा देख रहे हैं? देखिए, अयोध्या को अभी भी हम लोगों ने अयोध्या को वास्तव में केवल एक छोटे से नगर के रूप में जाना है। ईमानदारी से अगर इस पर लोग शोध करें तो यह विश्व की सांस्कृतिक राजधानी है। विश्व की? हाँ, मनुष्य, पहला मनुष्य और मनुष्य की परंपरा की शुरुआत यहीं से शुरू भी होती है। अयोध्या उसकी प्रथम भूमि है, आधार भूमि है। मनो से मानो और फिर वहीं से परंपरा आगे बढ़ी है। मनो के कितने पुत्र थे उसके अनुसार अगर आप देखेंगे तो अलग अलग द्वीप उन्हीं के उस पर माने गए हैं। आप भारत के प्राचीन इतिहास को उठा के देखें तो आपको ये सारी चीजें जानकारी में आ जाएंगे। अयोध्या प्रभु राम की पावन जन्मभूमि है, ये तो हम सब जान रहे हैं। उत्तर भारत को सबसे उर्वरा भूमि बनाने का श्रेय हम मां गंगा को देते हैं जी। और गंगा को इस उत्तर भारत में लाने वाले कौन थे? भागीरथ, वे भी अयोध्या में। जी, महाराज दलीप भी वहीं पैदा हुए थे, महाराज अज भी वहीं पैदा हुए थे, मानधाता भी वहीं पैदा हुए थे। एक लंबी परंपरा है। जैन परंपरा के तीर्थंकरों को आप देखेंगे, ये परंपरा भी वहीं से निकलती हुई दिखाई देती है। जड़ भरत हो या फिर उसके बाद की परंपराएं, ये सब वहीं से निकलती हैं। और अयोध्या के इस महत्व को कमतर आंकने का प्रयास, जो विश्व के इतिहास की भूमि है, जिसे सम्मान बहुत पहले मिलना चाहिए था, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण वह सम्मान अयोध्या को प्राप्त हो रहा है। और हम लोगों को इस बात को मानना चाहिए कि हमें अयोध्या के इस महत्व के माध्यम से भारत की यानी एक ग्लोबल ब्रांडिंग का एक अवसर मिला है, हम लोगों को लेके आए। देखिए, हम लोग उसके महत्व को अभी भी वो कर रहे हैं, अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। 2017 में हम लोगों ने अयोध्या में दीपोत्सव के आयोजन को किया था, 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से ये हुआ कि भाई अयोध्या के साथ उन देशों को जोड़ो जिन देशों से भारत के सांस्कृतिक संबंध रहे हैं या हैं, आज भी हैं, जो अपने सूत्र को जोड़ते हैं। तो साउथ कोरिया की फर्स्ट लेडी हमारे आयोजन का चीफ गेस्ट बनी थी, उनका पूरा एक डेलीगेशन आया था यहाँ पे, और उन्होंने इस बात को कहा कि अयोध्या की राजकुमारी के हम वंशज हैं साउथ कोरिया में। और अयोध्या की राजकुमारी कैसे वहां गई? जल मार्ग से। हमारी सरकार ने अयोध्या के लिए जिससे जल मार्ग को हम प्रारंभ कर सकें, इसके लिए इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी का गठन भी कर दिया है। यहां से हाँ हम लोग लेके जा रहे हैं, शुरू करें हल्दिया तक जोड़ने के लिए, फिर वहां से आगे बढ़ने के लिए। और अयोध्या की राजकुमारी रत्ना जल मार्ग से साउथ कोरिया पहुंची थी। आज की वहां की जो परंपरा है, एक बड़ी परंपरा वहां पर उन्हें अपनी दादी माँ के रूप में संबोधित करके सम्मान देती है। और उन्हीं की स्मृति में किम हो जी। जो पार्क है अयोध्या का, वो हम लोगों ने वहां पर स्थापित किया है जी। ऐसे ही थाईलैंड में आप देखें राजा राम है, वहां की पूरे परंपरा अपने आप को राम से जोड़ती है। वहां के जो नेशनल हाईवे है
वे सब राम के नाम पर, रामा वन, रामा टू, राम राम के नाम पर है। राजा ने अपना जो म्यूजियम, अपना जो पैलेस था, ग्रैंड पैलेस, उसको उन्होंने रामायण को दान किया। थाई रामायण के सभी चित्रों को उस पर उकेर करके उन्हें राम को सम्मान दिया। ये थाईलैंड का है, थाईलैंड की जो पुरानी राजधानी थी, जो बाद में म्यांमार के साथ युद्ध के दौरान क्षतिग्रस्त हो गई थी, वह अयोध्या थी। आज भी उन्होंने सम्मान दिया, यानी अपनी परंपरा को कहां से लोग जोड़ रहे हैं राम के साथ। आप इंडोनेशिया में देखिए, इंडोनेशिया तो दुनिया के सर्वाधिक मुसलमान रहते हैं, लेकिन इंडोनेशिया में वे लोग आज भी रामायण के साथ जुड़े हैं। और हमने इंडोनेशिया की रामलीला को भी आमंत्रित किया है इस दौरान अयोध्या में। अब उनके पात्रों से बात करिए ना, वे सभी राम को अपना आदर्श मानते हैं। समस्या ये है कि जो है, जो अधकचड़ा ज्ञान होता है ना, वो व्यक्ति को भ्रमित कर देता है। और जिन लोगों ने भारत को, भारत के बारे में कभी जानने का ईमानदारी से प्रयास नहीं किया, वही लोग भारतीयता पर, भारत की परंपरा पर, भारत के महापुरुषों पर, भारत के आराध्य देवों पर प्रश्न खड़ा करते हैं। इनको वास्तव में समझना चाहिए, अयोध्या केवल अयोध्या नहीं है, अयोध्या तो विश्व की सांस्कृतिक राजधानी है, और उस सांस्कृतिक राजधानी के रूप में उसकी पुनर्स्थापना होनी ही है।